आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवान था। जो इनकलाब जब आया तो वो वापस आया, वो भी पढ़ने गया हुआ था, 16 साल बाद वापस आया सरजमीन पर अपनी, और उसने अपनी माँ से यही जुमला कहा। और कहाँ, किस मकाम पे था कि उसके मरने शहादत के बाद भी उसके नोट्स पढ़ाए जाते थे। प्लाज्मा फिजिक्स का सबसे ऊपर स्टूडेंट था वो, शहीद डॉक्टर चमरान। 16 साल बाद वापस आया और अपनी माँ से कहता है, माँ जितना सालिम गया था उतना ही सालिम वापस आया हो। यानी क्या, यानी ये है मां, वो असर दिखाया। इतना बड़ा आदमी आकर जो है वो बिल्कुल कुर्द के बॉर्डरों पे लड़ रहा है, किस मकाम पर। इमाम खुमैनी क्या कहते हैं, चमरान मर्द बुजुर्ग बुद्ध, इमाम खुमैनी जिसे बुजुर्ग कहते हैं वो क्या होगा। क्या आरिफ शख्स था कि अपने आखिरी वक्त में अपनी टांग से मुखातिब है, कहा तुम्हारे रक्स का वक्त अब खत्म हो रहा है, अब थोड़ी देर है, बस थोड़ी देर मेरा साथ दे लो। उस मकाम पे पहुंच गया कि एक दफा जो है वो जख्मियों को अपनी गाड़ी में डालता है, जीप में, जंग में, और वापस आता है तो एक खुद सीने पर जो है वो एक तराश लगती है और खून बहना शुरू हो जाता है, और अगर खून न रुकता खुद भी बेहोश हो जाता, तो अपने खून से कहता है खून को कि रुक जाओ, मुझे इन जवानों को हॉस्पिटल पहुंचाना है। किस मकाम पे पहुंच गया, ये भी तो गया था। अजीजाने मोहतरम, ऐसे ही तो लोग चाहिए इमाम को कि जो दुनिया में जहां भी जाए पढ़े, इल्म हासिल करें जो भी है, लेकिन अपने बातिन को पाक रखें और फिर पलटे बनाए इसको, मुल्क को। जब सब ही करप्ट हो जाएंगे तो ये निजाम कैसे चलेगा, ऊपर कहां बुलाएंगे इमाम को। ये जिम्मेदारी है हमारी अजीजाने मोहतरम, हर फील्ड में पढ़ने की, हर एजुकेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जो भी इदारा हो, उसमें पाक लोगों की जरूरत है ताकि पाक फैसले हो सकें। जब जहन आली होंगे तभी इन जहनों पर कोई चीज उतरेगी, जब जहनी नजिस हो तो फिर कहां अल्लाह का नजवा इसके ऊपर आएगा। हमें उसी तरह पढ़ना है परवरदिगार।